हेलो हाय गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है पिनाकल पे। और इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, आपके सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को हाय गुड मॉर्निंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट है कि द फेमस गोलकोंडा फोर्ट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, कि गोलकोंडा का जो प्रसिद्ध किला है किस राज्य में स्थित है। ये आंसर आपको देना है, तो हाँ जी दीजिए आंसर क्या होगा इसके लिए। फेमस गोलकंडा फोर्ट कहाँ पे है, कौन से राज्य के अंदर है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो बताइए आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका तेलंगाना, ऑप्शन बी आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में भी हैदराबाद, हैदराबाद के पास में है। और ये कैपिटल रहा है जो कुतुब अली, कुतुब शाह डायनेस्टी थी, वंश था कुतुब शाह का, उसकी राजधानी था ये उस टाइम पे गोलकंडा फोर्ट। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, ये डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, डायमंड की फेमस माइंस हुआ करता था ये। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। ये आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सरेज आर नाउ यूज्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस फॉर डायग्नोसिस इन मेडिसिन, वॉज डिस्कवर्ड बाय, क्वेश्चन में बस ये पूछा है एक्सरे की खोज किसने की थी, उन साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है। एक्सरे की खोज की थी विलहेम रोएंटिगन ने, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब इसके साथ साथ बीटा और गामा दोनों रेज काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है। बीटा रेज की बात करें तो इसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, और गामा रेज की बात करें तो पॉल विलर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये तीनों आपको याद रखने हैं, सिर्फ एक्सरे याद रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों रेज के जो इन्वेंटर है वो पूछे जाते हैं आपसे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गया आपका। हड़प्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप वन ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स, हड़प्पा के लोग इनमें से एक ईश्वर की आराधना नहीं करते थे, वो आपको आंसर देना है इसमें से। बताइए कौन से ऐसे गॉड थे जिसकी आराधना नहीं करते थे हड़प्पा के लोग। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा विष्णु, ऑप्शन बी सेकंड विष्णु सही आंसर होगा। वहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा की संस्कृति थी, वहाँ पे किस किस को मानते थे, एक तो मदर गोडेस को मानते थे, मदर गोडेस, उसके साथ साथ शिव की पूजा करते थे, पीजन की करते थे, वास्तविक की करते थे, और पीपल की भी पूजा करते थे। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स भी आपको इसके साथ याद रखने हैं, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे सही हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ड्राइड फ्रूट्स लाइक रेजिंस व्हेन सॉक्ड इन वाटर बल्ज एंड गेट फिल्ड विद वाटर, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन दैट एक्सप्लेन्स द डेली लाइफ इवेंट। क्वेश्चन ये है कि सूखे फल जैसे कि किशमिश को पानी में भिगोते हो तो उसमें क्या होता है कि फुलाया या पानी में भरा जाता है, तो इस दैनिक घटनाक्रम को क्या कहा जाता है। आपने कभी बादाम रात को भिगोए होंगे तो वो भी फूल के साइज बड़ा हो जाता है, किशमिश को भी आप डालते हैं उनका साइज भी बड़ा हो जाता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है। ये देखिए इस प्रकार से साइज बड़ा हो जाता है, पहले ऐसे होते फिर साइज इतना बड़ा हो जाता है। तो आप इसको जनरली समझ सकते हैं कि पानी उसके अंदर भर जाता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, फूल जाता है किशमिश। इसके पीछे जो रीज़न होता है, जो साइंटिफिक रीज़न होता है, वो होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया वहाँ पे हो जाती है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कोई भी एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो ऑस्मोसिस कहलाता है। साथ में एक कंडीशन रिक्वायर होती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है ये वर्ड मत भूलना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस, एंडो का मतलब जैसे पानी इसके अंदर घुस गया है और ये स्वेलिंग होके बड़ा हो गया है, तो ये एंडो ऑस्मोसिस होता है। अब इसमें से ये सारा पानी बाहर निकल जाएगा और ये श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो वो होता है एक्सोस्मोसिस। एंडो का मतलब पानी अंदर की तरफ आ रहा है, एक्सो का मतलब पानी बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्लियर है सारे टर्म्स। आंसर होगा परासरण या ऑस्मोसिस सही आंसर होगा। अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने ये दो पानी के आपके बॉक्स है, इसमें पानी का अधिक मात्रा में है, पूरा भरा हुआ है, इसमें पानी कम मात्रा में है, तो हमेशा डिफ्यूजन में क्या होगा, ज्यादा मात्रा से पानी कम मात्रा में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, हाई हाई कंसेंट्रेशन से हमेशा लो कंसेंट्रेशन में जाने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। यहाँ पे समझो एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है।
एक्टिव के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है, और एक्टिव में याद रखना लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। किसमें? एक्टिव में। और हाई से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो वो होता है पैसिव। एक्टिव पैसिव का केस आपको ये याद रखना है। और ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और डिफ्यूजन में हाई से लो की तरफ मूव करता है। ठीक है। हाउ मैनी कॉन्स्टिलेशंस हैव बीन नेम्ड, कितने नक्षत्रों का नाम रखा गया है? तो टोटल 88 नक्षत्र जो है उनका नाम रखा जा चुका है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 88। विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है उसके बारे में पूछा गया है। सबसे पुराना न्यायालय भारत का कब स्थापित हुआ था? 1 जुलाई 1862 के अंदर, 1 जुलाई 1862 में हाई कोर्ट बनाया गया था। सबसे पुराना हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट। ऑप्शन फोर आपको राइट आंसर होगा। कहीं कहीं आप गूगल करेंगे तो, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट को अगर आप गूगल करेंगे तो वहां पे मेंशन होगा कि इट इज द ओल्डेस्ट कोर्ट इन इंडिया, बट इट इज नॉट द ओल्डेस्ट। सबसे पुराना है कलकत्ता हाई कोर्ट, इसकी स्थापना हुई थी 1862 के अंदर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कभी सर्च करके आप कहोगे मैम ने गलत बता दिया या आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, जो वो क्षेत्राधिकार है, वो कहाँ कहाँ पे लागू होता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और एक यूनियन टेरिटरी भी उसमें शामिल होती है, अंडमान एंड निकोबार। तो एग्जाम में देखो क्वेश्चन वेस्ट बंगाल के बारे में नहीं पूछा जाता है, जो यूनियन टेरिटरीज है जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हुआ, पुदुचेरी हुआ, तो ये सब इनका जो क्षेत्र कौन से कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो अंडमान एंड निकोबार आता है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र तो है ही, साथ में गोवा आएगा, दादर एंड नागर हवेली आएगा, और साथ में दमन एंड दीव आएगा। ठीक है, दमन, दीव, दादर एंड नागर हवेली, तो ये चारों किसके अंतर्गत आएंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। ऐसे ही मद्रास हाई कोर्ट की बात करें तो तमिलनाडु आएगा, साथ में पुदुचेरी आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो ऑप्शन फोर कलकत्ता हाई कोर्ट आपका राइट आंसर हो ही गया यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुनामी वार्निंग साइन, निम्न में से कौन सुनामी की चेतावना देने वाला संकेत है? तो जब सुनामी आती है तो क्या होता है, तट से पानी का तेजी से लौट जाना, क्योंकि सुनामी आएगी तो पानी का ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, पानी की लहरें बहुत तेजी से बढ़ेंगी, जैसे ही वो शोर के ऊपर, तट के ऊपर आके गिरेंगी तो उसी प्रेशर से वापिस भी जाएंगे, तो उथल पुथल होगी एक प्रकार की। ऐसा कब होता है? जब सुनामी आती है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल टू हायर जुडिशरी, आपको उन महिला का, पहली मुस्लिम महिला का नाम बताना है जो उच्च न्यायपालिका में पहुंचने वाली थी। ये फर्स्ट फीमेल ऐसी थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, तो पहली महिला जो किसी भी सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी तो वो भी यही थी। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फर्स्ट मुस्लिम फीमेल की पहली मुस्लिम महिला भी जो इस पद तक पहुंचने वाली थी, दोनों ही क्वेश्चन आपको, दोनों फैक्ट याद रखने हैं। उनका नाम है जस्टिस एम फातिमा बीबी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, दोनों आपको फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट गैसोलीन रन कार इंजन वॉज डेवलप्ड बाय, गैसोलीन से चलने वाला पहला कार इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया था? बताइए, फर्स्ट गैसोलीन रन कार इंजन वॉज डेवलप्ड बाय कार्ल बेंच के द्वारा। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल बेंच ने 1885 के अंदर, ठीक है, 1885 के अंदर इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोब टू द क्यूपर बेल्स बॉडी, क्यूपर घेरा के पिंडों की जांच कौन करेगा? पहले ये समझो कि क्यूपर बेल्ट होता क्या है। हमारे जो सौर मंडल में ग्रह है, तो जहाँ पे नेपच्यून ग्रह है, ठीक है, नेपच्यून, उसके नेपच्यून के बियॉन्ड मतलब पीछे की साइड एक बेल्ट सी बनी होती है इस प्रकार से, एग्जैक्टली। ठीक है, इस ये बेल्ट किससे मिलके बनी होती है, इसे कहा जाता है क्यूपर बेल्ट। ये किससे मिलके बनी होती है? आइसी बॉडी होती है, जैसे कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी होती है, डस्ट होता है, धूल होती है, कुछ कण होते हैं, ठीक है, पत्थर होते हैं, उन सबसे मिलके बनी होती है। तो नेपच्यून के जो बाहर की जो आप देख रहे इस टाइप से जो बेल्ट बनी होती है वो क्यूपर बेल्ट होती है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि क्यूपर घेरा के पिंडों की जांच कौन करेगा? तो इसके घेर में जो पिंड है उनकी जांच करने के लिए नासा ने अपनी तरफ से एक भेजा था जिसका नाम था न्यू होरिजन स्पेस क्राफ्ट, उन्होंने भेजा था। किसकी जांच करने के लिए? नेपच्यून के बाद कौन सा ग्रह पहले आता था? प्लूटो। प्लूटो पहले ग्रह था लेकिन सौरमंडल का ग्रह था,
लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। तो अब एट प्रेजेंट इसकी सिचुएशन क्या है, इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, छोटा प्लैनेट या ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो अभी ये सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। तो प्लूटो की जांच करने के लिए, प्लूटो और उसके जो चारों तरफ मून उसके चंद्रमा घूमते हैं उनकी जांच करने के लिए नासा ने न्यू होरिजन को भेजा था, कौन से बेल्ट में, क्यूपर बेल्ट में, क्योंकि क्यूपर बेल्ट से आप प्लूटो ही के आसपास का भी रीजन है और आसानी से आप वहां पे रह के जांच कर सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व बुद्धिस्ट केव कारला इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, एक केव गुफा का नाम है कारला जो बौद्ध धर्म का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ केंद्र रहा है, किस भारतीय राज्य के अंदर स्थित है, ये नाम आपसे पूछा गया है। ये लोकेटेड है लोनावला के पास, और लोनावला कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से केव्स की इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच डायरेक्शन डज द टेल ऑफ अ कॉमेट पॉइंट टूवार्ड, धूम केतु की पूंछ किस दिशा में होती है। धूम केतु कुछ इस प्रकार से नजर आता है, आप देख रहे हैं जो ये रोशनी आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या होता है, धूम केतु के अंदर होता क्या है, ये आपसे पूछा गया है। इसमें सेम वही कि आइसी बॉडीज होती है, बर्फ के कण होते हैं, छोटे छोटे बर्फ के कण होते हैं, जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है गैस को रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, गैस निकालता है वहां से। और इसके जो पूंछ की डायरेक्शन है वो कहाँ से होगी, अवे फ्रॉम द सन, ठीक है, सूर्य से दूर होगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इसको याद रखना पड़ेगा आप, सूर्य से दूर। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर लॉन्च इन विच स्टेट, भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर किस राज्य में शुरू किया गया था। बताइए फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर की बात करें तो रामेश्वरम के अंदर, ये देखिए रामेश्वरम, और रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है, 114 किलोमीटर लॉन्ग है ये। तो रेलवे इक्विप्ड विद बायो टॉयलेट्स, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में भी कहाँ पे, अभी हमने पढ़ा रामेश्वरम के अंदर। वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी आपसे पूछा गया है। ये श्रीलंका की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की पहली प्रधानमंत्री थी, और ये 3 बार उस पद पे बनी रही हैं, मतलब 3 बार प्रधानमंत्री बनी हैं। इनका नाम है श्री माओ, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। आंसर होगा इसका श्री माओ भंडार के, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कब से कब तक बनी है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बता दूं कि 56 से लेके 65 तक थी, फिर 70 से 77 तक थी, 1970 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद ये फिर 1994 से 2000 तक थी। तो ये कुछ कार्यकाल है इनके, हालांकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछे भी नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा आपको, आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि हु वॉज द डिस्टिंक्शन ऑफ सर्विंग एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेजिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेजिडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तीनों के पद पे कार्य करने वाले हैं ये, इनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्ला, जिन्होंने दिसंबर 1905 से 1992 के रूप में कार्य किया, स्कॉलर थे, एजुकेशनिस्ट थे, ऑथर थे, ठीक है, और 11th चीफ जस्टिस थे, 6th वाइस प्रेसिडेंट थे, और एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, काफी ज्यादा उपलब्धियां इनकी रही हैं। तो आंसर होगा हमारा जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे कि द इंडियन नेशनल आर्मी रिक्लेम्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड नेम्ड देम, आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर लिया था और इसका नाम बदल के क्या रखा, इन्होंने अधिकार किया था 1942 के अंदर और इसका नाम बदल के क्या रखा था, शहीद एंड स्वराज द्वीप, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 1942 में उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है, और उस वक्त क्या चल रहा था, जो दूसरा सेकंड विश्व युद्ध था, सेकंड वर्ल्ड वॉर था, वो चल रहा था उस टाइम पे। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा लिंक कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा वरना, कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने 2018 के अंदर अंडमान और निकोबार के कुछ द्वीप समूह हैं जिनका नाम बदल के नया नाम रखा, उनको मैं आपको बता देती हूँ। अंडमान निकोबार का जो एक आइलैंड है जिसका नाम है रोस आइलैंड, उसका नाम बदल के रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूसरा आइलैंड था नील आइलैंड, नील द्वीप, उसका नाम बदल के रख दिया गया शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। और लास्ट हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, उसका नाम बदल के रख दिया स्वराज द्वीप, ठीक
ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे जो मैंने कवर करवाए हैं, और ये तो हिस्ट्री से पूछा गया है शहीद रण स्वराज, तो इसलिए मैंने आपको ये तीन जो आइलैंड है अंडमान और निकोबार के हैं, जिनका नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बदल के ये रख दिया गया है, तो ये तीनों भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द ट्रांसिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस फेज। क्वेश्चन ये है कि वह प्रक्रिया बताना है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस वाले फेज आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखो, पहले स्टेज होती है सॉलिड, सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड बनता है, लिक्विड से क्या बनता है, गैस बनता है। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे सॉलिड है, कोई भी आइस है आपके पास, उसको हीट करते हो, हीटिंग करना या मेल्टिंग करना, पिघलाना क्या कहलाता है, उसे लिक्विड में चेंज कर देता है। तो सॉलिड से अगर लिक्विड में कोई चीज चेंज हो रही है तो वह प्रक्रिया मेल्टिंग कहलाती है। लिक्विड से कोई चीज अगर गैस में चेंज हो रही है तो वह वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहलाती है। अगर कोई चीज डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर बदल रही है तो वो कहलाता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। तो आंसर होगा आपका सब्लिमेशन, यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखो कंडेंसेशन क्या होता है, गैस से कोई चीज अगर लिक्विड में बदल रही है तो वो कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। तो ये चारों टर्म्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, तो चारों टर्म्स अच्छे से याद कर लो। सॉलिड से लिक्विड होगा तो क्या होगा, लिक्विड से गैस में कैसे होगा, इवेपोरेशन समझ में आ गया, वाष्पीकरण, कंडेंसेशन समझ में आ गया, संघनन भी क्या होता है, लिक्विडेशन तरलीकरण, लिक्विड से आप समझ सकते हैं किसी चीज का लिक्विड बनना। इन अ कंप्यूटर व्हाट इज द नेम ऑफ हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड, एक कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली हाई स्पीड मेमोरी को क्या नाम दिया जाता है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा है। सबसे हाई मेमोरी आप कहेंगे रैम होती है, रैम नहीं होती है, कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कैश मेमोरी यहाँ पे सही जवाब होगा आपका। इसे सीपीयू मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, सीपीयू मेमोरी। ठीक है, ये काफी हाई स्पीड होती है, रैम से भी ज्यादा हाई स्पीड होती है इसकी। नेक्स्ट है कि विच कंपनी हैज बीन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट इट एंड स्कॉच टाइप, कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टाइप के उत्पादन से संबंधित है। ये शब्द है क्या, इनका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम घर में फेविकॉल से ग्लू यूज करते हैं चिपकाने के लिए, वो बहुत नॉर्मल होता है। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मशीनों के पार्ट्स को चिपकाना होता है, वहां पे बहुत ही हाई और स्टैंडर्ड का बहुत ही अच्छा ग्लू आपको चाहिए चिपकाने के लिए, कुछ चाहिए आपको। वो जो एडहेसिव टेप्स होते हैं, टेप यूज होती है या ग्लू वहाँ पे यूज होता है, फेविकॉल्स वगैरह जो यूज होते हैं वो कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। 3M, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। हम घर वगैरह में तो नॉर्मल पेपर चिपकाने के लिए नॉर्मल फेविस्टिक या फेविक्विक का यूज कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे फेविकॉल से तो कुछ नहीं चिपकने वाला, क्योंकि मशीन के पुर्जों का आपको चिपकाना है, उसके लिए वहाँ पे पोस्ट इट, स्कॉच टेप, इस टाइप की टेप्स कुछ यूज होती हैं। और जिस कंपनी, जो कंपनी इन्हें बनाती है उसका नाम है 3M, नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, द टर्म पॉलीआर्की वॉज यूज बाय रॉबर्ट डेल टू डिस्क्राइब अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच। पॉलीआर्की का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। बहुसूत्र शासन, बहु मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों का शासन हो वह बहुसूत्र या पॉलीआर्की कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसा एक पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा एक गवर्नमेंट जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का शासन हो उसे पॉलीआर्की कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको, दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, और एक दो ऑप्शंस आपको स्पेस पे गिवन है, तो आंसर इसका होगा पीपल एक्ट वोट थ्रू द इलेक्टोरल सिस्टम एंड ग्रुप प्रोसेस। तो 4 आंसर सही होगा। ग्रुप शब्द से याद रखना, ग्रुप या ऐसे सरकार जिसमें बहुत सारे लोगों की चलती हो तो वो पॉलीआर्की कहलाती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल गेट्स को फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन 1975 विद। बिल गेट्स ने 1975 के अंदर मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। उनके पार्टनर का नाम आपसे पूछा गया है, पार्टनर का नाम है पॉल जी एलन, इट्स एलन। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ये आप इनके पार्टनर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल डिड द ब्रिटिश कॉन्फर गांधी विद विच वॉज रेलिनिक्ड बाय हिम। अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। ब्रिटिशर्स पहले कुछ जैसे कि उपाधियां दिया करते थे, जैसे गांधी जी को उपाधि दी गई थी केसर ए हिंद। क्यों दी गई थी, क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जो एम्बुलेंस सर्विस दी थी उसकी वजह से इम्प्रेस होकर ब्रिटिशर्स ने इन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया था, केसर ए हिंद का। लेकिन बाद में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो
गांधी जी ने जो इनके द्वारा उपाधि दी गई थी इसे वापस कर दिया गया था। तो क्वेश्चन काफी टाइप से बनता है कि किन्होंने अपनी उपाधि को वापस किया, केसरी हिंद उपाधि किन्हें दी गई है, ठीक है, किस वजह से दी गई है। तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो एम्बुलेंस सर्विस दी थी उनके लिए इन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर है आपको सारी बातें। और कब दी गई, 1915 के अंदर इनको ये उपाधि दी गई, किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, नाइटहुड, ठीक है, उन्होंने भी इस उपाधि को वापस कर दिया गया कब, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो दोनों उपाधि याद रखना, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई और केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नल इक्विनॉक्स अकर ऑन वसंत विषुव कब आता है। देखो, वर्नल इक्विनॉक्स का पहले एक बार मतलब समझ लो, इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है कि जब वसंत ऋतु की शुरुआत होती है तब ये आता है। एक तो एक इतना सा छोटी सी चीज समझो, ठीक है, कौन से हेमिस्फेयर में आता है, नदन हेमिस्फेयर में आता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इसके आने से स्प्रिंग की शुरुआत होती है, वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या होता है कि सन जो है सूर्य की पोजिशन एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर होती है। अब इक्वेटर क्या होता है ये पता नहीं होगा आधे बच्चों को। पृथ्वी की वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो हिस्सों में काटती है, एक नदर्न हेमिस्फीयर एक सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये काल्पनिक रेखा को इक्वेटर कहते हैं। तो जब सूर्य की पोजीशन इस इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होगी तो वो क्या कहलाता है, उसे वसंत विषुव या वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। इसके अंदर दिन और रात जो है बराबर होने लगते हैं, तो स्प्रिंग की शुरुआत होती है नदन हेमिस्फेयर में होती है, इस वाले हेमिस्फेयर में होती है। और कब होता है, 20 मार्च को होता है। सेकंड आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए इसका डायग्राम, इसमें आप सारे याद रख सकते हैं। एक साथ में वर्नल इक्विनॉक्स कब आता है, ऑटोनोमल कब आता है, समर सोल्स्टिस कब आता है, विंटर, ये सारी डेट्स आप इस डायग्राम के थ्रू याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द थियोरी बिहाइंड स्टार ट्विंकलिंग इज कॉल्ड, तारों के टिमटिमाने के पीछे कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो तारे चमकते हैं, तारों की कभी खुद की रोशनी नहीं होती, कभी भी याद रखना कि तारों की खुद की कोई रोशनी नहीं होती, वो खुद से नहीं चमकते हैं, उनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म क्या होता है कि एटमोसफेयर के अंदर बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एटमोसफेयर में गैसेज की बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती है। अब इन लेयर्स में क्या होता है, हमें यहाँ पे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं इस प्रकार से। अब जैसे ये लेयर्स हैं, इनके अंदर से कोई भी लाइट गुजरती है, जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो लाइट हर जो लेयर्स हैं उनमें से अलग अलग होके गुजरेगी। हर लेयर में उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट होगा, जिस वजह से जो तारों के अंदर हमें रोशनी दिखाई देती है, बट वो एक्चुअली खुद की रोशनी नहीं होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। ये आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं, सारे ऑप्शंस आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोटोन, इकोटोन या संक्रमिका का अर्थ क्या होता है, इकोटोन क्या होता है। इकोटोन एक वो जगह होती है वेयर टू बायोम्स मीट, मतलब दो समुदाय जहाँ पे आके मिलते हैं वो कहलाता है इकोटोन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, ये आप देख सकते हैं इकोटोन, ये बीच वाला एरिया जिसमें थोड़ा पानी भी है लैंड भी है, वो एरिया कहलाता है इकोटोन्स। और दूसरा सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल आपको समझाऊं, डेजर्ट का एरिया ले लो, ग्रासलैंड का एरिया ले लो, ग्रासलैंड जैसे जो घास वगैरह के मैदान होते हैं वो किस किस के बीच में आते हैं, फॉरेस्ट जंगलों के बीच में भी होते हैं और डेजर्ट एरिया में भी होते हैं। तो ग्रासलैंड भी क्या है, इकोटोन का, सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, हमारा क्वेश्चन ये था ना, तो ग्रासलैंड भी इसका एक एग्जाम्पल है, ग्रासलैंड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए हैं, जैसे ग्रासलैंड हुआ, दूसरा ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रांसिशनल इकोसिस्टम हुआ, तो ये सब एग्जाम्पल हैं। द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द रेयर गैसेज इज, दुर्लभ गैसों में सर्वाधिक प्रचुर कौन सी है। देखो गैसेज के कॉम्पोजिशन की बात करें अर्थ के ऊपर, तो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद पाई जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या पाई जाती है, और जो गैसेज है वो पाई जाती है, ऐसे होता है। नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन पाई जाती है 21% अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन ये कि दुर्लभ गैसों में, दुर्लभ गैस वो होती है रेयर गैसेस, जैसे कि नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में आती हैं, ग्रुप 18 केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी के ग्रुप 18वां जो है वहां पे नोबल गैसेस आती हैं। नोबल गैसेस जैसे ऑर्गन, हीलियम, इस प्रकार से नोबल गैसेस है।
मोस्ट अबंडेंट जो रेयर गैसेस है, नोबल गैस है, वो है आर्गन, क्योंकि इनके बाद आर्गन का ही नंबर आता है, 0.9% होती है आर्गन, क्योंकि यहाँ पे अदर गैसेस होती है वैसे तो उन अदर गैसेस में सबसे ज्यादा आर्गन पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज इज कॉल्ड, गले से उस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं जो कंठ के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम ह्यूमंस के अंदर जहाँ से वॉइस बॉक्स, जहाँ से आपकी आवाज़ आती है, उसे कहा जाता है लैरिंग्स, कंठ नली कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कि बर्ड्स के जो वॉइस बॉक्स होता है, बर्ड की जो कंठ होता है बोलने के लिए, उसका नाम क्या है। तो सिरिंग्स नाम याद रखना, ठीक है, सिरिंग्स। तो ये बर्ड्स में होता है, और अगर ह्यूमंस की बात करें तो मनुष्यों की बात करें तो आंसर होगा लैरिंग्स, कंठ नली होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोंटेसरी एजुकेशन इज, मोंटेसरी शिक्षा की मूल अवधारणा क्या है, उनका शिक्षा किस पे बेस्ड थी। जैसे इंडिया में हमारे कैसे एजुकेशन दी जाती है कि ऐसे लिखो, ये पेजेस लिखो, रटी रटाई एजुकेशन काइंड ऑफ, लेकिन मोंटेसरी एजुकेशन में क्या था, सिर्फ प्रैक्टिकल एजुकेशन, कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, आप खुद एक्टिविटीज कीजिए, सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रैक्टिकल्स के ऊपर बेस्ड, कि जितना प्रैक्टिकल्स करोगे उतना ज्ञान आपको ज्यादा होगा, तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल इज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट, भारत के पहले फ्लोटिंग प्राथमिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था। तो फर्स्ट फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल की बात करें, ठीक है, तो उसका उद्घाटन, ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका आंसर होगा मणिपुर। अब आंसर कैसे होगा मणिपुर, क्योंकि हमें सभी को पता है कि जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लोकटक लेक, लोकटक लेक बहुत फेमस लेक है मणिपुर की, ठीक है, और ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मतलब तैरने वाला एक जीव अभयारण्य है, और ये किसके लिए फेमस है, फुमड़ीज के लिए फेमस है, फुमड़ीज, ठीक है। तो जो ये फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल है, ये भी कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर है, इससे आप दो क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। व्हाइल वॉचिंग 3D मूवीज एट द सेंटर वी हैव टू वियर ग्लासेस बिकॉज, जब आप 3D मूवी देखने जाते हैं तो आपको 3D ग्लासेस दिए जाते हैं, ऐसा क्यों, 3D ग्लासेस में ऐसा क्या होता है, 3D ग्लासेस के बिना आप मूवी में 3D इफेक्ट नहीं देख सकते, आप सिर्फ 2D इफेक्ट देख सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या होता है। देखो इसके लिए आंसर जो है वो आपका क्या होगा वो देख लेते हैं। आंसर ए राइट आंसर होगा, द ग्लासेस अलाउ आर लेफ्ट एंड राइट आईज टू सी डिफरेंट इमेजेस। देखो क्या होता है, जब आप 3D ग्लासेस पहनते हो तो आपको क्या होता है, जो स्क्रीन है, ये टीवी की स्क्रीन है, इसमें से बहुत सारे लाइट्स आती हैं एक साथ, ठीक है, तो अब क्या होता है कि 3D में एकदम से बहुत सारे लाइट पड़ती है, तो आपकी दोनों आंखें किसी भी लाइट को कैप्चर नहीं कर पाती है, इसलिए आपको यहाँ पे ये 3D ग्लासेस दिए जाते हैं। अब इन 3D ग्लासेस में से ये सारी रेज आती हैं और कन्वर्ट होकर आपकी जो आईज हैं, इन दोनों आईज में एक एक रे को पहुंचाते हैं, ताकि आप आसानी से उस 3D इफेक्ट को देख सके। तो आंसर होगा ए राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सारे ऑप्शंस ही आपको गिवन है। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट बुक विलेज ऑफ कंट्री, देश के पहले पुस्तक गांव का नाम बताइए क्या होगा। नेम द फर्स्ट विलेज बुक ऑफ, फर्स्ट बुक विलेज ऑफ कंट्री है, महाराष्ट्र के अंदर है, ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर खुला है, स्ट्रॉबेरीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसका नाम है भीलर। भीलर कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर, याद नाम आपको याद रखना है। बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स एक मिक्सचर होती है, कॉम्बिनेशन होती है, जिसके अंदर प्रोजेस्टिरोन और एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। अब प्रोजेस्टिरोन क्या है, ये फीमेल सेक्स हॉर्मोन है, ठीक है, फीमेल सेक्स हॉर्मोन है, ये भी एस्ट्रोजन भी फीमेल सेक्स हॉर्मोन है, दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। देखो प्रेगनेंसी कैसे क्रिएट होती है, जब एग रिलीज होता है फीमेल की ओवरी से और स्पर्म होता है मैन से, तो एग और स्पर्म जब फ्यूज होते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनना शुरू होता है, तो इससे प्रेगनेंसी क्रिएट होती है। तो अब ऐसा कुछ कर दिया जाए कि ये वाली स्टेज बने ही ना, कि स्पर्म और एग का फ्यूजन ना हो, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो इसका मतलब क्या है, वहां पे प्रेगनेंसी नहीं क्रिएट होगी। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या करती है, इस फर्टिलाइजेशन को होने नहीं देती है, एग और स्पर्म को ये जुड़ने नहीं देती है, ठीक है, ये काम कौन करता है,
बर्थ कंट्रोल प्लेस करती है, तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो आज का सेशन लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपको पसंद आया हो तो, समझ में आया हो तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं दोबारा इसी टाइम पे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे।